आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, यह राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है। खबर क्या है, चलिए उसकी तरफ चलकर जाना पड़ता है और जैसे जैसे कदम बढ़ेगी उस खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि गठबंधन में सीटों की घोषणा कल होगी और यहां वो बातें लिखी है, एनडीए अलायंस में सीटों की घोषणा कल होगी। आरजेडी कार्यालय मतलब एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात कही जा रही थी तो घोषणा कल होगी और ऐसे में अगली जो स्लाइड आ रही है उसमें भी यही बात लिखी हुई, ताकि हम बार बार इस बात को बता रहे हैं आपको कि कल क्या होने वाला। तो एक बड़ी खबर, सभी घटक दलों के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। दोपहर के 12:15 पर यह एक बड़ी गतिविधि जिसकी सूचना हम आपको देख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां आरजेडी कार्यालय में सीटों की घोषणा हो जाएगी, सभी घटक दलों के नेता वहां मौजूद होंगे। कल दोपहर का वक्त है, 12:15 पर होगा यह सब कुछ। कांग्रेस को 9 सीट मिल सकती है, ऐसी बातें सूत्र बता रहे हैं। झारखंड में 2 सीट आरजेडी के खेमे में, चतरा और पलामू आरजेडी को मिली है। बिहार में कांग्रेस को कटिहार किशनगंज सीट मिली है। कांग्रेस को भी, कांग्रेस के बारे में जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं कि 9 सीट इन्हें मिल सकती है। झारखंड में 2 सीट आरजेडी को मिली है। यहां पर जरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से उसमें 9 सीट कांग्रेस को दी गई है कि 9 सीट पर आप लोकसभा का चुनाव बिहार में लड़ेंगे। उधर आरजेडी को झारखंड में 2 सीटों की बात है। किन किन सीटों पर चर्चा हो रही है, किन किन सीटों के बारे में अंदर से आवाज आ रही है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर और भागलपुर, ये इस पर कौन लड़ेगा। सुपौल और मधेपुरा में एक 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 सीट कांग्रेस को मिली है। इधर अगली स्लाइड हम आपको बता रहे हैं 9 सीट देश का आदेश क्या है, हम आपको एक एक कर जानकारी दे रहे हैं। और रवि इस तरह हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। रवि, एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि एक मंच पर चलिए एनडीए अलायंस में जितने घटक दल हैं कम से कम बैठने को तो तैयार हो गए। कल कितने बजे बैठ रहे हैं और कल जब बैठेंगे तो किस बात को लेकर नई क्या जानकारी देंगे। नहीं बिल्कुल, और देखिए कई दिनों से दिल्ली से लेकर के पटना तक मैराथन बैठकें चल रही थी और कोशिश की जा रही थी कि जो सीटों का बंटवारा है उस पर एक आम सहमति बने, और अंतिम रूप से जो जानकारी मिल रही है अंतिम सहमति जो है वो बन गई है। और कल राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश कार्यालय है पटना में, वहाँ पे 12:15 ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट रूप से किया जाएगा, जिसमें तेजस्वी यादव खुद मौजूद होंगे मीडिया के सामने और तमाम घटक दलों के जो नेता है, अखिलेश सिंह है प्रदेश अध्यक्ष वो रहेंगे, सीपीआई माले तमाम पार्टियों के जो नेता रहेंगे वो एक साथ मौजूद रहेंगे और सीटों की घोषणा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, जो 9 सीटें जो है वो कांग्रेस को देने पर सहमति बनी है, जिसमें कटिहार किशनगंज पटना साहिब सासाराम बेतिया मुजफ्फरपुर भागलपुर समस्तीपुर है। और सबसे विशेष बात है कि जिस पूर्णिया सीट को लेकर के पप्पू यादव लगातार ताल ठोक रहे हैं, वहां पे वो कह रहे हैं कि यहाँ से मरना संभव है लेकिन छोड़ना संभव नहीं है, वो पूर्णिया सीट जो है वो राजद के खाते में ही जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और आरजेडी के तरफ से सुपौल या मधेपुरा में से एक सीट देने की बात कही गई है, और ये कांग्रेस को तय करना है कि पप्पू यादव जो है वो सुपौल या मधेपुरा में कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे। अगर दोनों सीटों में से कोई एक क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो आरजेडी उन्हें देने के लिए तैयार है। विवेक, बिल्कुल, अभी चंद मिनट पहले, तकरीबन 3 मिनट पहले मेरी पप्पू यादव से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पूर्णिया छोड़कर जाने का सवाल पैदा नहीं होता। अब सुपौल वाली बात आ रही है, पहले मधेपुरा वाली बात आ रही थी, तो कुल मिलाकर अभी जो खाका है अभी पूर्णिया के दायरे से बाहर पप्पू यादव नहीं निकल सकते, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। और ये कहते हुए कि कांग्रेस आलाकमान, उनका फैसला वहीं से होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कल 12:15 के आसपास पप्पू यादव पर पूर्णिया पर कोई बात होने वाली है। लेकिन अभी कल 12:15 तक बहुत समय बाकी है, तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली में ही बैठे हुए हैं और वो कब लौटेंगे, तो अभी तक लगातार एक ढंग से कहे कि अंतिम कोशिश जो है वो पप्पू यादव की दबाव बनाने की वो चल रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को मनाए, लालू प्रसाद यादव को मनाए, तेजस्वी को मनाए कि पूर्णिया सीट उन्हें दी जाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव पूर्णिया सीट जो कि पहले ही बीमा भारती को सिंबल दे चुके हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब कल सुबह तक अगर बैठकें होती हैं और किसी ढंग से मनाने की कोशिश होती है तो कोई बात बन सकती है, वरना सुपौल या मधेपुरा दोनों में से एक जगह अगर चुनाव लड़ना है पप्पू यादव को तो वो चुनना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमसे बातचीत करने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा बिहार की गतिविधियों पर क्या है। और एक बड़ी खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, अरविंद केजरीवाल की कस्टडी बढ़ गई है। यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से,
एक अप्रैल तक ईडी की कस्टडी बढ़ी है, यानी कि पूछताछ का सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा और 1 अप्रैल को 11:30 बजे पेशी होगी। तो 1 अप्रैल की तारीख मुकर्रर हो गई है पेशी की। और दिल्ली से एक बड़ी खबर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड बढ़ी है। 1 अप्रैल को 11:30 पर पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की। राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। तो आपके नेता प्रवक्ता जो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इतना तय है कि अभी यह कस्टडी बढ़ी है और कुल मिलाकर अभी पूछताछ ईडी की तरफ से और होनी है। अब आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ। औरंगाबाद लोकसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार हैं अभय कुशवाहा, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। अभय कुशवाहा ने अपने सहयोगियों के साथ जिला पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नामांकन के बाद अभय कुशवाहा ने जीत का भी दावा कर दिया। जो प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बड़े बुजुर्ग महागठबंधन के सभी साथी आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस तरह से प्यार और विश्वास जताया है, मैं आपके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा। और गया सीट से महागठबंधन प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने नामांकन किया, उनके साथ भी बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नवादा सीट से आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। औरंगाबाद सीट से आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा ने नामांकन किया। तो जमुई लोकसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी अर्चना रविदास ने नामांकन दाखिल किया। तो एक साथ 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 4 सीट पर उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। और गया से कुमार सर्वजीत, जिसकी तस्वीर पहली, दूसरी तस्वीर नवादा से श्रवण कुशवाहा की, तीसरी तस्वीर औरंगाबाद से अभय कुशवाहा की, चौथी तस्वीर जमुई से अर्चना रविदास, जिन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 सीट पर उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया और एक बड़ा मौका होता है ऐसी स्थिति में। गया से कुमार सर्वजीत पहुंचे नामांकन करने के लिए। दूसरी तस्वीर नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा का नामांकन हुआ। तीसरी तस्वीर औरंगाबाद से अभय कुशवाहा ने नामांकन किया। जमुई से अर्चना रविदास का नामांकन। चारों ही तस्वीरें जहां नामांकन का दिन था और बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो वहां पर मौजूद थे। तो एक साथ 4 तस्वीरें, 4 सीट पर उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया और नामांकन के बाद विवेक ठाकुर जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखे। विवेक ठाकुर ने कहा कि नया नवादा विकसित नवादा बनाने की नींव नामांकन के जरिए रखी गई। तो नामांकन में पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की सभी सीट एनडीए के खाते में जाएगी। और साथ ही साथ आप इस नामांकन के माध्यम से नींव बोया गया है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है कि आज़ादी के 100 साल के बाद 2047 में विकसित भारत की जो संज्ञा है भारत को मिलनी चाहिए, और उसी क्रम में विकसित नवादा का जो आज न्यू बोया है वो एक नए नवादा का नया उदय होने जा रहा है। 40 सीट एनडीए को देना है। नवादा भी उस 40 सीट में है, बेगूसराय भी उस 40 सीट में है, गया भी है, औरंगाबाद भी है। 40 का 40 सीट एनडीए को जाएगा। मोदी 400 के पार होंगे और चुनाव न विवेक जी लड़ रहे हैं न गिरिराज लड़ेगा, चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए हम वोट मांगे। चलिए अब जरा देखिए इस स्क्रीन को देखिए। नवादा से कहां कहां मुकाबला है, किनके किन के बीच मुकाबला है, गया से कौन से प्रत्याशी जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच में मुकाबला है। ये हम के प्रत्याशी जीतन राम मांझी एनडीए के प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह का मुकाबला अभय कुशवाहा से जो कि आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, औरंगाबाद सीट है। इसके अलावा अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे, नवादा सीट जहां बीजेपी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर, मुकाबला है आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा से जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। जमुई की सीट एलजेपीआरएस के प्रत्याशी अरुण भारती, इनका मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार अर्चना रविदास से है। और तो ये दिखाने का मकसद यह है कि अभी से जो लड़ाई है आमने सामने की वो साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में है, आम जनता भी इसे देख रही है। एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के नामांकन के बाद एक जनसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी को परिवारवादी पार्टी बताया। गया के गांधी मैदान में बड़ी सभा का आयोजन किया गया।
जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी लालू प्रसाद पर जमकर गरजे। सम्राट ने कहा कि यह 80 और 20 की लड़ाई है। यह 80 और 20 की लड़ाई है साथियों। 80 तरफ एक तरफ लोग हैं और एक तरफ लालू प्रसाद जी है, जिनके लिए आरक्षण का मतलब सिर्फ अपना परिवार होता है। पहले उन्होंने किसको आरक्षण दिया? कहा कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी है, इनको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा कि दूसरा जो मेरा बेटा है, ये खेल में खेल नहीं पाता है, ये क्रिकेट नहीं खेल पाया, लेकिन पानी ढोने का काम कर रहा है, इसको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर दूसरे बेटा को कहा कि मेरा बेटा जो है, ये हरे राम कृष्णा हरे राम करता है, अब इसको मंत्री बना दो। अब दो बेटी को लाया। एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन में पहुंचे मंत्री विजय चौधरी और लेसी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। विजय चौधरी ने कहा कि बीमा भारती सीएम पर जो आरोप लगा रही हैं, बीमा भारती से पूछना चाहिए कि उन्हें विधायक और 3 बार कैबिनेट मंत्री किसने बनाया। जेडीयू में जितना सम्मान उन्हें मिला, बहुत कम को मिला है। वहीं पप्पू यादव को टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। दल में क्या हुआ, कांग्रेस ने क्यों शामिल कराया, फिर टिकट काट दिया नहीं दिया, इसका जवाब तो वही लोग ने दे सकते हैं जो शामिल हुए थे, वो दे सकते हैं जिस दल ने शामिल कराया वो दे सकते हैं। कि उन्होंने कहा कि जदयू में अति पिछड़ों की का सम्मान नहीं है, तो आखिर उनको विधायक बना के मंत्री किस पार्टी ने बनाया था, ये तो उन्हीं से पूछिएगा। और विधायक बना के दो दो तीन तीन बार कैबिनेट मंत्री से भी ऊंचा कोई पद होता है क्या? और सम्मान की सीमा क्या होती है, उससे बड़ा सम्मान क्या होता है किसी दल में? लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का समय खत्म हो गया, दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। ऐसे में पूर्णिया में इस मौके पर एनडीए की ओर से बड़ी रैली आयोजित की गई, जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और एक तरह से एनडीए अलायंस को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, मजबूती से चुनावी मैदान में है। अधिक जानकारी दे रहे हैं आनंद अमृतराज। बिहार के 40 लोकसभा सीट में से पूर्णिया सबसे हॉट सीट बन गया है। एक तरफ महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने बीमा भारती को पार्टी का टिकट दिया है और पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव पूर्णिया में ताई होकर तैयार हैं कि वो पूर्णिया में किसी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ हम एनडीए की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की तस्वीर देखिए, जो भी एनडीए के जो तमाम घटक दल के नेता हैं, तमाम घटक दल के नेता एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि बिहार में एनडीए के तमाम उम्मीदवारों के लिए पूरा एनडीए एकजुट है। और ये तस्वीर और ये मैसेज ये बताने को काफी है कि बिहार में एनडीए की तरफ से एकजुटता का संदेश देकर मतदाताओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। वही दूसरी तरफ पूर्णिया लोकसभा सीट में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जिस तरीके से मामला फंसा हुआ है, उसे कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक अच्छा संकेत नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए एक रैली के बहाने न सिर्फ एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है, बल्कि एक बड़ा मैसेज भी सीमांचल के वोटरों को देने की कोशिश किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, बिहार में लड़ाई रोचक होती जा रही है, लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट सबसे रोचक हो गया है। और यहाँ पर जो परिस्थितियां दिख रही है, जिसमें जेडीयू से संतोष कुशवाहा, वहीं आरजेडी से बीना भारती और पप्पू यादव टाइट होकर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो पिछले बार संतोष कुशवाहा से जिनकी हार हुई थी कांग्रेस के उम्मीदवार पप्पू सिंह, वो भी टाइट होने की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार पूर्णिया बिहार का सबसे हॉट सीट और सबसे दिलचस्प सीट बन गया है। कैमरामैन मनीष जुलेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18। तो बिहार की सबसे हॉट सीट पूर्णिया बन गई है। पप्पू यादव और बीमा भारती को लेकर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। वहीं एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के संतोष कुशवाहा ने नामांकन दाखिल कर दिया। एनडीए नेताओं ने नामांकन के बाद जीत का दावा करते हुए कहा कि महागठबंधन ने तो अब तक उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए हैं। जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर, एनडीए कैंडिडेट के तौर पर संतोष कुशवाहा ने नॉमिनेशन फाइल किया, क्या उम्मीद देखते हैं आप? अरे उम्मीद और तैयारी तो इसी से समझिए ना कि आज 11 बजे से नॉमिनेशन शुरू होना था और 11:15 बजे हमारे उम्मीदवार ने, एनडीए के उम्मीदवार ने सबसे पहले नामांकन दाखिल कर दिया। और आप देख रहे हैं कि एनडीए के सभी घटक दलों के बड़े नेता मौजूद हैं। सीमांचल तो हमेशा से एनडीए के पक्ष में रहा है और इस बार वो और अधिक मजबूती से पक्ष में रहेगा। तारकिशोर प्रसाद जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और
पूर्व डिप्टी सीएम सर, पूर्णिया बहुत हॉट सीट हो गया इस बार। अरे देखिए, पूर्णिया परंपरागत रूप से हम सब जीतते रहे हैं और पूर्णिया की जो जन आकांक्षा है उसका उसे पूरा करने का यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने लगातार प्रयास किया है। नामांकन दाखिल कर दिया, क्या देख रहे हैं पिछली बार जो जीत मिली क्या इस बार उसको बरकरार रख पाएंगे? और जो उत्साह है इस बार रिकॉर्ड बनेगा, नया कीर्तिमान पूर्णिया की जनता ने बनाने का मन बना लिया है। 2014 में विपरीत परिस्थितियों में भी पूर्णिया की जनता ने अपार समर्थन देने का काम किया और 2019 में एनडीए की प्रत्याशी के रूप में रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीते हैं और 2024 में और भी जब पूर्णिया की जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगी। एनडीए उम्मीदवार के तौर पे पूर्णिया से अपने नामांकन दाखिल किया और पूर्णिया की लड़ाई इस पर बेहद दिलचस्प है, खासकर पप्पू यादव ताजोगनी की तैयारी कर रहे हैं, बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार हैं और साथ ही पप्पू सिंह जो जिन्होंने पिछली बार भी लोकसभा चुनाव लड़ा था वो भी चुनावी मैदान में हैं। तो दिलचस्प लड़ाई है पूर्णिया की और जीत का सेहरा किसे बनता है इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमित राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पूर्णिया। तो पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों के लिए दिग्गजों ने नामांकन किया और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि 4 दिग्गज इस कैमरे में नजर आ रहे हैं। गया से जीतन राम मांझी ने नामांकन दाखिल किया है, जमुई से अरुण भारती ने नामांकन दाखिल किया, नवादा से विवेक ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया और पूर्णिया से संतोष कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। एक साथ 4 तस्वीरें ये बता रही हैं कि 4 सीट पर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो चारों तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस तरीके से आज नामांकन दाखिल किया गया है प्रत्याशियों की तरफ से। बक्सर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पिछले 30 साल से हार का सामना करना पड़ रहा है और पिछले कई चुनाव में आरजेडी की लगातार हार के बाद अब कांग्रेस इस सीट पर मजबूती से दावेदारी कर रही है। कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने कहा कि पिछले साल में जो सांसद रहे उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, अगर एनडीए अलायंस की तरफ से कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो भारी मतों से जीतेगी। करता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ पूर्व में 2015-20 के चुनाव में विधायक भी रह चुके हैं, अच्छे हैं। बक्सर संसदीय क्षेत्र में ऐसा कोई उन्होंने कार्य नहीं किया है जिससे कि यहाँ के मतदाता उनके ऊपर जागरूक हो और अपनी रुचि दिखाते हुए उनको अपना मतदान करें, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी में 2-3 खेमा है वो उन खेमाओं में भीतरी और बाहरी का ही झंझट चल रहा है, तो ये बाहरी उम्मीदवार हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को अगर यहाँ टिकट देती है मजबूत प्रत्याशी को इंडिया गठबंधन, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन यहाँ से जीतने में कामयाब। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विजय सिन्हा ने आम लोगों से मुलाकात की, लोगों की समस्याओं को सुना, उसे चुनाव बाद दूर करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है। जैसी की तैसी क्षेत्रीय पार्टी हर जगह कर रही है और कांग्रेस अपने राष्ट्रीय पार्टी के अस्तित्व को हर जगह नकारने के बाद भी नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने को बचाए रखने के लिए हर समझौता कर रही है और ऐसा अपमान शायद किसी राष्ट्रीय पार्टी को आज तक इतिहास के पन्नों में नहीं हुआ है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं। पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो पूर्णिया को अपनी मां मानते हैं, वो अपनी मां को छोड़कर नहीं जाएंगे। पूर्णिया से उनका भगवान और भक्त का संबंध है। पप्पू ने कहा कि वो पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। वो एक बिगर और लार्जर कॉज के लिए कि ताकि मैं जो देश के हालात है उसमें मैं कांग्रेस के साथ नील का पत्थर बनूं। तो मामला कहां फंस गया? नील का पत्थर बनूं और निश्चित रूप से कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है बिहार में उसको नंबर वन करूं। लालू यादव जी से भी हम मिले, उनसे भी व्यक्तिगत, पिता का मेरे साथ रिश्ता रहा है, बहुत क्लियर हम है। और विपक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री बनाने से लेकर आज तक 83-84 से, जिसको लालू यादव जी ने उस दिन भी कहा, मैंने कहा कि आप हमें पिता की तरफ पूर्णिया से हम अलग चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा दल ज्वाइन कर लीजिए और अब मधेपुरा से लड़िए। मैंने इस बात को वहीं भी एक अधिकार के तहत खंडन किया।
तो पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आरजेडी पर हमला बोला। आनंद मोहन ने कहा कि ये कैसा गठबंधन है कि अब तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हुआ है और एक पार्टी लगातार अपना सिंबल बांट रही है, दूसरे लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा। आनंद मोहन ने कहा कि बिहार की एक पार्टी के नस नस में अराजकता भरा है, कांग्रेस और लेफ्ट को आत्ममंथन करना चाहिए। ये देखिए ये कैसा महागठबंधन है जहां अभी फैसला हुआ नहीं और एक पार्टी अपने उम्मीदवार को सिंबल बांट रही, दूसरे लोग टकटकी लगाए निहार रहे कि हमारा क्या होगा, हताशा है, निराशा है। एक व्यक्ति अपनी पार्टी को ज्वाइन कराता है और कहता मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा अगर पूर्णिया हमको नहीं दिया गया। एक पार्टी के नस नस में अराजकता है, तानाशाही है और जब वो मजबूत होता है तो बिहार भयाक्रांत हो जाता है, जब वो मजबूत होता है तो एलायंस पार्टी के जो लोग हैं वो दुबले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वाम दल इसके उदाहरण है, कांग्रेस इसके उदाहरण है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वाम दलों को और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कांग्रेस और आरजेडी में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं होने पर निशाना साधा, कहा कि आरजेडी कांग्रेस दोनों ही परिवारवादी पार्टियां। इस दौरान केसी त्यागी ने कहा कि लालू प्रसाद इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार के किसी बड़े ताजपोशी के खिलाफ थे, ऐसा कांग्रेस के नेता भी अब दबी जुबान में कहने लगे। और बिहार में आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टी है, अभी परिवार का कोटा पूरा नहीं हुआ। दो सुपुत्री लालू जी की, उनके दोनों पुत्र लालू जी, उनकी धर्मपत्नी, छह लोग इस समय सक्रिय राजनीति में हैं। और ये जो दिल्ली की राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, उसके परिवार का ये एक्सटेंशन स्वरूप है। लिहाजा हम जब इस गठबंधन से अलग हुए थे, हमारी यही वेदना थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, संगठन के स्वरूप को लेकर के ये लोग सक्रिय नहीं है। और अब तो कांग्रेस पार्टी के नेता, और पटना से बड़ी खबर आ रही है, मैट्रिक के संभावित टॉपर्स का वेरिफिकेशन शुरू हो गया, संभावित टॉपर्स का वेरिफिकेशन शुरू हो गया। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीएसईबी में बुलाए गए संभावित टॉपर्स और टॉप 20 में जो छात्र पहुंचे हैं उनकी अब जांच होगी, पड़ताल होगी, एक्सपर्ट्स उन छात्रों से पूछताछ करेंगे, वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ही रिजल्ट की घोषणा होगी और 31 मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। आगे देखिए जोहार, झारखंड।